पब्लिक परम साड़ी सेंटर के नाम से दिव्यापुर में 4 मंजिला साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। 2 लोगों की मौत हो गई। शव को दिव्यापुर CHC में लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया। इसके बाद दुकान में वर्कर के रूप में लक्ष्मीकांत दुबे उर्फ कल्लू 35 वर्ष की मौत हुई, तो परिजनों द्वारा शव को CHC से नहीं उठाने दिया जा रहा था। इसको लेकर परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग की गई। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर परिजनों को आर्थिक मदद की बात कही। रात में रखे हुए शव को बड़ी मुश्किल से उठाने दिया गया। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पत्नी ने बताया प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 5 लाख की सहायता देने की बात कही। 3 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण करना है, कैसे होगा 5 लाख में गुजारा। मृतक की मां भी विकलांग है, जो बुढ़ापे का सहारा था वो भी छिन गया। ये मेरे हस्बैंड दुकान में आग लगी थी, ये निकल आए थे, फिर दोबारा दुकान वापस दिए गए, उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। मैंने मेरा पति केवल कमाता था, कोई नहीं कमाने वाला था। बस अधिकारी आए हैं, आपको आश्वासन क्या मिला? हमको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, बस मैं क्या गुजारा होगा बताइए भैया। पूरी जिंदगी कट जाएगी, बच्चे पढ़ाएंगे कैसे, क्या करेंगे? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 5 लाख में सब हो जाएगा क्या? 5 लाख में तो कुछ भी नहीं होगा। अकेले थे? हाँ अकेले थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते थे। ठीक है, वो या वो भी विकलांग है। क्या नाम था सर? मतलब कल्लू नाम, कल्लू लड़की के रहने वाले हैं।